हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ अ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय, तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो हम इस क्वेश्चन में ऑस्मोसिस और सेल ऑर्गेनेली के रोल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा की कॉन्सेप्ट आ जाएगा ऑस्मोटिक रेगुलेशन सेल ऑर्गेनेली। सेल को वाटर में रखा जाता है तो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी सेल के अंदर जाता है। ऑस्मोसिस, वाटर एंटर्स सेल, जिससे सेल का एक्सपेंशन होता है। इस प्रोसेस को रेगुलेट करने में एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेली का रोल होता है। चलिए हम ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। ऑप्शन ए है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ऑस्मोसिस या सेल एक्सपेंशन को रेगुलेट नहीं करते, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है, पावर हाउस ऑफ सेल, और सिंथेसिस करता है। ये ऑस्मोसिस या सेल एक्सपेंशन को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी है वैक्यूओल्स। वैक्यूओल्स स्पेशली इन प्लांट सेल्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूओल होती है, वाटर स्टोरेज और टर्गर प्रेशर में, टर स्टोरेज टर्गर प्रेशर को मेंटेन करते हैं। वाटर के इनफ्लक्स से वैक्यूओल एक्सपैंड होती है और सेल का ऑस्मोटिक बैलेंस रेगुलेट करती है, इज रेगुलेटेड, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। और ऑप्शन डी है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स इंक्लूडिंग प्लांट सेल्स में सिंथेसिस और पिगमेंट स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ऑस्मोसिस या सेल एक्सपेंशन को रेगुलेट नहीं करता, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।